और ये देखिए पीछे मम्मी के लगाए हुए फूल कितने मस्त लग रहे हैं। देखिए डॉल पे लगा रखी है मैंने, दिखने दी होगी यहाँ से छोटे छोटे से। आराम ही कर रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी, जुकाम वगैरह, और जो कल दवाई लाया था उसके दो डोज खाने के बाद बहुत फ़र्क है। बनाते हैं, ब्राउन ब्रेड लेके आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ब्रेड और बटर लगाऊंगा, फिर उसके बाद अंडा खाऊंगा, वरना एक और आइडिया मेरे पास अंडम से। देखिए मैंने गाड़ी ढलान पे ही रोकी है, देखो पीछे पूरी चढ़ाई है, तो देखिए बैक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून, अपने घर से। सो अभी आज का मौसम जो है इतना मस्त हो रखा है, बादल लगे हुए, हल्की हल्की बौछार पड़ रही है। तो अभी जस्ट मैं उठा हूँ 8 बजे, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने सो रखा था, तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं। और ये देखिए पीछे मम्मी के लगाए हुए फूल कितने मस्त लग रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। आज है वेनसडे और वेनसडे को यहाँ वीकली ऑफ रहता है, तो आज दुकान खोलनी नहीं है। और पीछे खेत में घास लगी हुई थी वो सब काट दी है, जब काटी थी मैं एक घास का जो है वो लगा के गया था, क्या बोलते थे जड़ जो होती है वो लगा के गया था, तो वो भी जमने वाली होगी, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए डॉल पे लगा रखी है मैंने, दिखने दी होगी यहाँ से छोटे छोटे जैसे ये हैं, लग रखे बहुत सारे अमरूद, जिसको खाने हैं आ जाना जब। और मेरा तो गला एकदम मोटी हो रखी है आवाज आज। हे गाइस, गुड इवनिंग, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम हो रखा है एकदम मस्त, सुबह से बारिश ही हो रही है यहाँ पर, बूंदाबांदी अभी भी बूंदाबांदी चली रही है। तो अभी मैं एली को घुमाता हूँ, उसको घुमाने का टाइम हो चुका है, तो उसे खोलने के लिए जा रहा हूँ अभी। आज सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा काम करा नहीं है, सुबह से आराम ही कर रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी, जुकाम वगैरह, और जो कल दवाई लाया था उसके दो डोज खाने के बाद बहुत फ़र्क है, नाक से जो पानी बह रहा था जुकाम वाला वो बंद हो चुका है, थोड़ी हल्की फुल्की खांसी है, छींकें कम हो चुकी हैं। तो अभी एली को खोलते हैं, गाइस मौसम देखिए, सामने पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं आज, बादल लगे हुए हैं, सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर, सुबह से कोहरा लग रखा है, कोहरा कह रहा हूँ, बादल लगे हुए हैं सुबह से, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चली रही है सुबह से, और अभी जाके शाम को 3:30-4 बजे बारिश रुकी है। मैं तो दिन भर वेब सीरीज़ ही देख रहा था, कॉलेज रोमांस का पार्ट 2। तो अभी एली को घुमाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे घर में। गाइस मैं आ चुका हूँ एली को घुमा के, और अभी ज़्यादा कुछ तो है नहीं करने के लिए, खाली घूम रहा हूँ बाहर रोड पे। बाकी मौसम तो तब से बोल रहा हूँ मैं, बादल ही लगे सुबह से, जहर हो रखा है, हल्द्वानी और रुद्रपुर में तो ऐसी गर्मी थी, और यहाँ आके तो एकदम सुकून, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है बिल्कुल। और अमरूद भी पक रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक तोड़ के खाता हूँ, तो तोड़ते हैं। वो है ऊपर, मैं तोड़ता हूँ फिर मिलता आपसे। हेयर इज द अमरूद, पका हुआ लग रहा है, तो खाते हैं। मीठा, मस्त मीठा हो रखा है, बस कीड़े ना हो अंदर से, मुश्किल है वैसे कीड़े, क्योंकि ये नॉर्मल पका हुआ है, ज़्यादा पका हुआ भी नहीं है, तो ज़्यादा पका हुआ होता तब अंदर से कीड़े होते, बट अभी ठीक पका हुआ है तो कीड़े नहीं होंगे। खाते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस इट्स टाइम टू अनकवर द बाइक, एक्चुअली मैं अभी ब्रेड लेने जा रहा हूँ, तो बाइक में जा रहा हूँ तो बाइक में कवर लगा हुआ है, उसे खोलते हैं, और आज हल्द्वानी से आने के बाद पहली राइड लेते हैं बाइक की। तो चलते हैं, कवर खोलते हैं पहले।
बाइक धुली धुली सी लग रही है क्योंकि मैंने परसों धोई थी, तो चलते हैं। सो गाइस, मैं लेके आया हूँ ब्रेड और बटर और देसी अंडे, घर में पड़े हैं तो ब्रेड बटर और अंडे खाएंगे, बनाते हैं। ब्राउन ब्रेड लेके आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ब्रेड और बटर लगाऊंगा, फिर उसके बाद अंडा खाऊंगा, वरना एक और आइडिया मेरे पास, अंडे को फेंट के और ब्रेड को उसमें डाल के तब सेकूँ, वो ज़्यादा मेहनती काम है, तो इससे बढ़िया नॉर्मली खाते जैसे खाते हैं। Here is a brown bread and here is makhan everlight, sasta wala. तो बनाते हैं और खाते हैं। सो हे गाइस, मैं आया था अभी अपलोड करने वीडियो, तो आपको मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, मैंने भी अभी एकदम से देखी, मैंने गाड़ी ढलान पे ही रोकी है, देखो पीछे पूरी चढ़ाई है, तो देखिए बैक। व्यू देखिए कितना बढ़िया है सनसेट का, पूरा बादल लगे हुए हैं, देहरादून का मौसम तो बस ऐसे ही रहता है, बादल लगे हैं, इस साइड में पूरा पहाड़ है और इस साइड सनसेट हो रहा है। तो अभी वीडियो अपलोड करते हैं फिर घर को चलते हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा आगे जाता हूँ आगे की तरफ, यहाँ से नदी भी बहुत पास है तो उस पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तो अभी आगे जाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं फिर आप घर चलेंगे। वीडियो अपलोड करने यहाँ आना पड़ता है मुझे, बताओ, घर में नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, तो यहीं आना पड़ता है। सो गाइस, ये है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, तो ये छोटा सा कैंपस है मेडिकल वालों के लिए या जिसकी बायो थी स्ट्रीम के लिए उसके लिए। और इधर देखिए आप, ये पीछे पूरा पहाड़ दिख रहे हैं भद्राज वाले। सो करते हैं वीडियो अपलोड, फिर इधर से नीचे जाता है, पर ये कच्चा रास्ता है सामने इधर की तरफ, ये तो ये जाता है नीचे हरिपुर की तरफ, बट ये पूरा कच्चा रास्ता है और ऊपर मौसम देखिए आप, बादल लगे हुए हैं। सो गाइस, देखिए हमारा घर कितनी चढ़ाई पे है, कितनी नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई है बट थोड़ा सा है अपहिल, और ये एकमात्र टावर है एयरटेल का यहाँ पर, और जियो का भी इसी में अटैच, मतलब दोनों एक ही हैं, तो ये पहले एक ही टावर था, उसके बाद नीचे हमारे घर की तरफ लगाया एक जियो का टावर, वरना पहले इसी से आती थी सिग्नल की जो रेंज आती थी, तो जियो तो बिल्कुल भी नहीं आता था, आइडिया का 3G में एक डंडा आता था पहले घर में, अब तो खैर एयरटेल का भी एक ही डंडा 2G का आता था, एयरटेल तो बहुत सही हो गया है अब घर के उधर, और जब से जियो का टावर लगा है तो जियो तो बहुत ही बेहतरीन, बट अपलोडिंग स्पीड नहीं है, ओनली डाउनलोडिंग स्पीड, और सर्फिंग स्पीड अच्छी हो गई है बस। जो कल मैं मिक्सी लाया था वो हो चुकी है ख़राब, उसका जो मिक्सर है वो ख़राब हो चुका है एक्चुअली, वो जाम हो गया है, उसके अंदर जो ब्लेड होती है घूमती वो घूम नहीं रही है, तो अभी मम्मी ने हाथ से घुमाई तो थोड़ा घूमने लगे, फिर हमने मिक्सी में लगाई और जैसे घुमाने लगे थोड़ी देर घूमी उसके बाद उसमें जलने की बदबू आने लगी, आई थिंक उसमें कुछ फंसा हुआ है, तो मैं उसे कल दिखा के लाऊंगा, तब देखते सही होती है नहीं होती। तो अभी बन रहा है खाना, तो खाना खाएंगे फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, कल वाले ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मैं करना भूल गया था रात को, तो अभी सुबह उठ रहा हूँ और अभी ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय।